फरीदपुर में रामगंगा पार कटरी में हुए तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी रायपुर हंस निवासी सुरेश पाल सिंह तोमर उर्फ सुरेश प्रधान गंभीर घायल अवस्था में सिद्ध विनय अस्पताल में भर्ती हो गया है। पुलिस ने उसे निगरानी में ले लिया है। इसके अलावा उसके दो बेटे विपिन व विकास और सूरज पाल के दो बेटे राहुल व संजय को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को फरीदपुर के गांव गोविंदपुर के पास रामगंगा पार कटरी में जमीन पर कब्जे को लेकर रायपुर हंस निवासी सुरेश प्रधान और चंडीगढ़ निवासी परमवीर सिंह पक्ष में टकराव हो गया था। इस दौरान जमकर गोलियां और तलवारें चली। इसमें परमवीर पक्ष से परविंदर सिंह व देवेंद्र सिंह और सुरेश पक्ष से उजानी निवासी गुल मोहम्मद उर्फ गोलू पंखिया की हत्या हो गई थी। इस मामले में परमवीर के मैनेजर खजांची लाल शर्मा ने सुरेश प्रधान और सूरज पाल सिंह समेत 18 नामजद और 15 अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को सूरज पाल और उसके बेटे अजय ने सरेंडर कर दिया। फिर शनिवार को सुरेश प्रधानी की भाभी अनीता सिंह ने उसे गंभीर अवस्था में सिद्धि विनायक अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। उसके दाहिने हाथ और सिर में गंभीर चोट है। सूचना मिलते ही एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल फोर्स लेकर अस्पताल पहुंचे और उसे निगरानी में ले लिया। वहीं देर रात सुरेश प्रधान के बेटे विपिन व विकास और सूरजपाल के दो बेटे संजय व राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को रविवार को जेल भेजा जाएगा। बता दें सुरेश प्रधान इन दिनों बदायूं में कस्बा उजानी के मोहल्ला किला खेड़ा में रह रहा था। सुरेश प्रधान को उसके परिजन ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वह घायल अवस्था में है। अस्पताल में पुलिस तैनात कर उसे निगरानी में ले लिया है। उसके दो बेटों समेत कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को उन्हें जेल भेजा जाएगा। कटरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश प्रधान और उसके बेटों विपिन व विकास सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश घायल अवस्था में है और उसके कई जगह चोटें लगी हैं। इस वजह से उसे सिद्धि विनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा उसके मुख्य साथी सूरज पाल के दो बेटे राहुल और संजय को भी पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। इससे पहले शुक्रवार को सूरजपाल और उसके एक बेटे अजय को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि बुधवार शाम फरीदपुर में गोविंदपुर गांव के पास रामगंगा पार कटरी में सुरेश प्रधान और परमवीर सिंह पक्ष के बीच फायरिंग हो गई थी। इसमें परमवीर पक्ष के दो और सुरेश प्रधान पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या हुई थी।